हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए एक और नई ड्रैग रेस की वीडियो अपनी हुंडे वरना 1.5 टर्बो की स्कोडा स्लाविया 1.5 टर्बो के साथ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जनवरी 2020 हैप्पी न्यू ईयर अथर्व भाई भी कह रहे हैं। 2024 में आपका स्वागत है। 2024 की सबसे ज़्यादा स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं गाइस। काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था मैं इस वीडियो का। आज हमारे पास जो अपनी वरना है गाइज, हमारी वरना है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दैट कम्स विद अ 4 सिलेंडर इंजन। पावर स्पेक से गाड़ी जो प्रोड्यूस करती है वो है 158 bhp एंड 253 nm ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। स्कोडा स्लाविया हमारे पास जो अवेलेबल है वो है गाइज 1.5 लीटर के TSI इंजन के साथ 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज। एंड ये गाड़ी भी गाइज मोस्ट डिमांडिंग क्यू है, स्पेशल क्यू है। ये गाड़ी भी हमारे पास 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। फाइनली फेयर रिजल्ट जिसका आपको इंतजार था वो हम ले आए हैं। मैनुअल वर्सेस मैनुअल, 1.5 वर्सेस 1.5, वैग ग्रुप वर्सेस कोरियन ग्रुप, ठीक है। पावर स्पेक्स स्लाविया के जो है वो है 148 bhp एंड 250 nm ऑफ टॉर्क। तो क्लियरली 10 bhp एंड 3 nm का फायदा वरना को है, वेट का फायदा वरना को है। हमारी वरना 1213 किलो की है, 1213 kgs ऑफ अनलैडन वेट गाइस। कर्व वेट नहीं, अनलैडन वेट जो RC मेंशन होता है। एंड स्कोडा स्लाविया का जो RC मेंशनड अनलैडन वेट है गाइस वो है 1275, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 50-60 किलो का एडवांटेज हमारी वरना को ही है। 150-200 किलो का नहीं है, 50-60 किलो का है। बाकी जो भी होगा आपको फेयर दिखाएंगे एकदम। ओके गाइस, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद, बने रहिए अपने तुषार भाई के साथ। तो गाइस आ गए अपने फर्स्ट राउंड के लिए, आप एक बार देख लीजिए। AC हम ऑफ कर देते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल फुली डिसेबल कर दिया है, ठीक है। AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, फुल पोटेंशियल पे गाड़ी हमारी रहेगी। एंड स्पोर्ट मोड भी हमने लगा रखा है। बाकी अथर्व भाई से पूछते हैं उनकी गाड़ी में क्या मोड रहेगा स्लाविया में। मोड क्या रखोगे? मैक्सिमम पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल, स्पोर्ट मोड, ट्रैक्शन ऑफ, AC ऑफ, डायनामिक सिलेक्टर से चेंज कर रहे हैं, मोड डाल रहे हैं। मैक्सिमम रखना, हां AC ऑफ है ना, ठीक है। हम फर्स्ट राउंड करने वाले हैं, हॉर्न ठीक है, रेडी। हॉर्न तुषार देगा। भाई से डिले हो भाई, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बने सर, लेकिन गैप अब बन नहीं रहा है, कैचअप कर रही है। अभी आगे तक कर लेते हैं। 400 मीटर हो गए थे, 140 पहुंच गए थे। हाफ माइल भी हो जाती है ना साथ के साथ, 400 मीटर और हाफ माइल दोनों कर लेंगे अगली बार। तो भाई पहले राउंड में थोड़ा सा आपका लॉन्च डिले हो गया था, वरना विनर। सेकंड राउंड में अब आप ड्राइवर चेंज हो गए, अच्छे ड्राइवर हो आप, टॉर्क भाई चला रहे हैं, पूरा फेयर करेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे कर ले, रेस वेस तो नहीं छोड़ोगे ना भाई? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तुषार गोयल की वीडियो में चीटिंग नहीं होती। तू ऑन दियो ठीक है भाई, ठीक है। 3-2-1 कर दे, ऑन कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 1-3x0.5 बाद में कर लूंगा, 1 पे ना, नहीं 1 की जरूरत है, ठीक है। कौन है? अच्छा वो स्कोडा करती है ना, बार बार अपना विंडो नीचे कर लेती है कई बार। ये आ रहा है, कौन है? चालू रहने दो, तो कट जाएगी। चलो वो बॉकडाउन हो गई स्टाफ यहाँ। कुछ मैसा हुआ क्या? सही था, लॉकडाउन होती है यार वो स्लाविया। हाँ हल्की सी पावर इसकी डिम हो जाती है, लेकिन ठीक था। फेयर था ना, मतलब फेयर था, फेयर था। रोलिंग करें या एक और ड्रैग करनी होगी? एक और ड्रैग कर दो, फिर रोल कर लेते। एक और, अब एक काम करता हूँ, मिनिमम पोटेंशियल करता हूँ, कर दे। मतलब इको मोड लगा रहा हूँ, ठीक है, और AC ऑन कर रहा हूँ। ट्रैक्शन ऑफ ही रहेगा वरना लॉकडाउन मार जाएगी, ठीक है। इको मोड, ट्रैक्शन ऑन कर, और ट्रैक्शन में रहने दे। एक काम करता हूँ,
इको मोड ही है, ट्रैक्शन भी ऑन है और एसी भी ऑन है, ट्रैक्शन भी ऑन कर दिया, ठीक है गाइस, ट्रैक्शन वापस ऑन हो चुका है, एसी ऑन है, बस अपना फैन स्पीड लो रहेगी, यानी इको मोड है, मिनिमम पोटेंशियल है हमारी वरना का एंड मैक्सिमम पोट आपका तो मैक्सिमम है ना, एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ, अब तो जीत जाइयो चलो 3-2-1 करवा दो, तो मिनिमम पर है, तूने जंप कर दी थोड़ी सी, उसने दी नहीं अभी भी रेस, मेरे को उसे ऐसा लग रहा उसने फर्स्ट गियर ही नहीं लगा, न्यूट्रल में कर रहा था, क्या हुआ, नहीं न्यूट्रल में थी, पक्का न्यूट्रल में थी, न्यूट्रल में थी, न्यूट्रल में थी भाई साहब का वार का बंदा है यार, चेक कर रहा दोबारा चेक कर रहा, ठीक है ओके डन, ओ भाई साहब क्या हो गया, स्लाविया बिल्कुल साथ लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल टेल पर है, लेकिन यार हमारा एसी भी ऑन है, इको मोड भी है, आपने एक चीज देखी थी भैया, मैंने कहा था ना इनिशियल का बॉक डाउन नहीं, सेकंड गियर में बॉक डाउन मारेगी, हां हां हां, बट स्टिल जीत गया, वही तो हमारा तो एसी भी ऑन है, अभी मिनिमम है इको मोड, एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑन, और वो मैक्सिमम है, फर्क है वरना अच्छी वरना फास्टर है भाई, कई लोगों ने ना बहुत डीवीएम कर रखा था कि ये है वो है, कई लोग कहते थे ना कि फेयर करोगे वाटर जीटी मैनुअल लाओ या स्लाविया मैनुअल लाओ तब देखेंगे भाई, वरना फास्टर है, देख लो भाई मिनिमम पोटेंशियल पे हरा रहा हूं मैक्सिमम पोटेंशियल को, वरना फास्टर है, अभी भी कुछ गालियां देंगे जर्मन फैन बॉयज बीडब्ल्यू, कोई नहीं भाई चलो यार, एसी भी ऑन था यार, भैया क्या कर रहे हो भाई, ठीक था सब, ठीक रोलिंग कर ले, रोलिंग कर ले, क्योंकि ये ना 140 के बाद ही ठीक पास भी रहती है, हां अभी बताऊं, मैंने बताऊं ट्रैक्शन ऑफ क्यों बोलता हूं, ट्रैक्शन ऑन में फर्स्ट गियर का बॉक डाउन तो है ही, सेकंड गियर में भी बॉक डाउन मारती है, ऐसे हो गई थी बिल्कुल, ये भी कंटीन्यूअसली बॉक डाउन करती थी, हां आके देखियो एक बार, तो वो तो गाड़ी में, फिर वो है ना इसमें तो हम ऑफ कर सकते हैं, आपकी तो गाड़ी में वो ऑफ होने नहीं देता ना, तो सही है, एक रोल रेस कर लेते हैं, रोल कैसे करना है, मैक्सिमम पे ही, हां फर्स्ट गियर 20, ठीक है फर्स्ट गियर 20, मेरा स्पोर्ट मोड फायदा ही नहीं है भाई, सेकंड गियर 40, सेकंड नहीं दोनों कर लेते हैं, फर्स्ट गियर 20 भी सेकंड गियर 40 भी, दो रोल रेस करते हैं, ठीक है मैक्सिमम पोटेंशियल, एक ही कर ले क्योंकि पीछे गाड़ियां और भी हैं, कोई दिक्कत नहीं दो कर लेते हैं, स्पोर्ट मोड वगैरह लगा दो, स्पोर्ट मोड ट्रैक्शन ऑफ, पीछे से करनी है थोड़ा बैक कर लो, तो गाइस रोल रेस करने वाले अपना फर्स्ट गियर 20 से, एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ एंड स्पोर्ट मोड, मैं ऐसा ना कभी लोड नहीं आता था उस पे रेस पे बैक गियर में, बेल्ट पे लोड आता है ना, आता है ना, मैं तो सेकंड गियर होता है वैसे तो, बैक गियर आना तो नहीं चाहिए, चले चलो ऑन भी वही दे देंगे, फर्स्ट गियर 20, कर्व का थोड़ा सा पकड़ रही है वरना पकड़ रही है, बिल्कुल साथ है दोनों गाड़ी, वरना जीत गई है, अब स्लाविया बिल्कुल साथ है, बस भाई बस 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 बस, काफी अच्छा कंपटीशन दिया, हां बिल्कुल साथ थी, हां अरे थोड़ा सा एक चक्कर में से काफी अच्छा कंपटीशन दिया, क्योंकि भाई हां स्टार्टिंग में बताऊं क्या हुआ, बीच में वो ट्रिगर नहीं किया ना इसने, हां अब बॉक डाउन नहीं होती ना रोलिंग में, और थोड़ा सा मैं तो मेरे से क्या होता ना लाइन अप जब हम कर रहे थे 20 पे तो मैं थोड़ा पीछे रह गया था, हाँ तो स्टार्ट थोड़ा पीछे से हुई है मेरी, सेकंड गियर 40, सेकंड गियर 40 अब स्ट्रेट है ना, तो अब बराबर से रख देंगे, सेकंड गियर 40 मैक्सिमम, चलो शार्क गोइंग फॉर द विन, बहुत मजे ले रहे आजा, फिर बंद कर दी नहीं बंद कर दी,
पता नहीं आवाज तो आई थी स्टार्ट करने की सेकंड गियर 40 मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ ना वरना फिर स्पीड अप करने में टाइम लगता है। हाँ आ जा 16 पे चल रहा हूँ। हाँ ना बस ठीक है यहाँ पे रखो। अबे आ जा यार बस ठीक है चल थोड़ा इधर कर लो अपनी तरफ। अबे कहाँ लेके जा रहा है यार ट्रैक खत्म कर देगा। अच्छा स्लाविया के गियर लंबे हैं। नहीं मैं शॉर्ट शिफ्ट करता हूँ। अच्छा गियर बहुत अच्छे थे भाई स्लाविया निकल रही है सच में। ओए वो मिड मिड का पुश होता है ना अब ये देखो फिर निकलेगी। नहीं बराबर है अब स्लाविया फिर निकल रही है। बस रोलिंग में तो भाई बराबर रह रही है दोनों। हाँ वो पता है उसका ट्रैक्शन कंट्रोल फर्स्ट गियर में उसको रोकता है उस गाड़ी को नहीं तो दोनों गाड़ियाँ सेम है बिल्कुल सेम है। मैनुअल ठीक है भाई स्लाविया मतलब है स्लाविया अच्छी है बल्कि वर्टा जीटी में इतना नहीं उसमें क्लच डिले वैल्व भी दे दिया बॉक डाउन भी वो ट्रैक्शन फुली भी ऑफ भी नहीं होता और आप चाहे उससे रोलिंग करो चाहे उससे आप ड्रैग करो वो आप ये निशान किस चीज का आ रहा है वो ये कोलिजन वाला नहीं वो उधर आरपीएम के ऊपर एडीएस। तो गाइस राउंड्स आपने देख लिए होंगे हमारे ड्रैग के एंड रोलिंग के भी 3 हमने ड्रैग के राउंड करे 2 हमने रोलिंग के राउंड करे। ड्रैग में क्लियरली हमारी वरना ही विनर रहती है चाहे मिनिमम पोटेंशियल करो चाहे मैक्सिमम करो बट रोलिंग में काफी अच्छी टक्कर थी दोनों गाड़ियों को हमने मैक्सिमम पोटेंशियल रखा था। पहली रोल रेस थी हमारी फर्स्ट गियर 20 उसमें भी दोनों गाड़ी बराबर चली। दूसरी रेस थी सेकंड गियर 40 उसमें भी काफी ज्यादा टक्कर पर चली बट क्लियरली अपनी रोल की बात करो तो दोनों का टाई है ड्रैग का वरना विनर है। अब आप पूछोगे गाइस हमने जितना कर सकते थे इस रोड पे पॉसिबल क्लियरली हमने कर लिया बट अगर आप एकदम टॉप एंड की बात करोगे ना कि अभी भी स्लाविया आगे निकल रही है तो उसका कंक्लूजन देना चाहूंगा गाइस स्लाविया एंड वर्टस जीटी जो 1.5 है चाहे आपकी मैनुअल हो चाहे आपकी ऑटोमेटिक हो 203 पे इनका लॉक है। वरना का टर्बो का चाहे मैनुअल हो चाहे डीसीटी हो इसका 218 पे लॉक है ठीक है तो एंड पोटेंशियल अभी भी वरना का ही ज्यादा है। तो बाकी तो गाइज यही कुछ थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना शेयर करना एंड हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना। भाई स्पॉन्सर्ड है तो फेक तो नहीं जिताई ना असली है ना रियल रिजल्ट है ना रियल है ना स्पॉन्सर्ड से मेरा मतलब है नंबर प्लेट स्पॉन्सर्ड है। भाई असली वीडियो है तो कान खा ये कमेंट बनते हैं ना फेक है ठीक है। तो चलते हैं गाइज मिलते हैं आपको एक और वीडियो में। बाय बाय।